हेलो एवरीवन, आज हम घिया के कोफ्ते बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वी आर मेकिंग घिया कोफ्ताज टुडे। फॉर दिस आई हैव ग्रेटेड वन लौकी। इसके लिए मैंने एक लौकी को कद्दूकस करके निचोड़ लिया है, उसका पानी दबा के निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डालूंगी, दो टेबलस्पून बेसन डालूंगी, एक टीस्पून जीरा डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्च। इस मिक्सचर को मैं हाथ से मिला लूंगी जिससे कि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं। बेसन आप अगर आपको कम लगे थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं जिससे कि ये सारा मिक्सचर बाइंड हो जाए। यू कैन ऐड मोर बेसन अंटिल द मिक्सचर बाइंड्स टुगेदर। यू हैव टू मेक कोफ्ताज फॉर दिस। नाउ द मिक्सचर इज़ रेडी एंड आई विल बी मेकिंग कोफ्ताज। Make equal size small koftas. ये देखिए एक साइज के। अगर आपके कोफ्ताज बन नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा बेसन और डाल दीजिए। फ्रेंड्स, आई हैव मेड ऑल द कोफ्ताज नाउ एंड आई हैव पुट द ऑयल टू हीट। ये कोफ्ते मेरे बन के तैयार हैं और उधर ये यहाँ तेल भी गर्म हो गया है। पहले आप एक कोफ्ता डालिए और देखिए कि तेल पक गया है या नहीं। ऐसे करके आप सब कोफ्तों को तल लीजिए। फ्रेंड्स, अब मैंने कोफ्ता करी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं एक टीस्पून जीरा डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें अनियन, जिंजर और गार्लिक, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डालूंगी। गोल्डन ब्राउन हो जाए। दूसरी तरफ मेरे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। इनको मैंने मीडियम फ्लेम पे तला है। अगर हाई फ्लेम पे तलेंगे तो बाहर से तो ये पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैं अपना मसाला भून रही हूँ जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। अनियन, जिंजर, गार्लिक का मसाला बनके अब तैयार है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी डालूंगी, एक चम्मच लाल मिर्च डालूंगी, दो चम्मच नमक डालूंगी और एक चम्मच पिसा धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कीजिए और अब इसमें दो टमाटरों का पेस्ट डालिए।
मसाले को अच्छी तरह भून लीजिए जब तक घी साइड ना छोड़ दे। उसके बाद इसमें पानी डाला जाएगा जिससे इसकी ग्रेवी बनाई जाएगी। ये मसाला टमाटर डालने के बाद अब भून के तैयार है। इसमें अब साइड छोड़ते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। Now I'm adding water to this for the gravy. Cover this gravy and now cook for 15 minutes, 10 to 15 minutes on a slow flame. फ्रेंड्स, इस करी को बनते अब 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें अब इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ और इसको बंद कीजिए। कोफ्ता करी सर्व करने के लिए रेडी है। अब आप उसे धनिया, हरे धनिए से गार्निश कीजिए। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल हंगर हिट्स होम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स।